हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी। तो आज हम जा रहे हैं कमला नगर, जहां हम ट्राई करेंगे ये यमी पनीर टिक्का। ये पनीर टिक्का आपको स्पार्क्स मॉल के सामने एक भैया एक रेडी लगाते हैं, वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाइव पनीर टिक्का है और ये भैया बहुत ही अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छा मसाला डालते हैं और जो इनकी क्वालिटी है पनीर की भी वो भी बहुत अच्छी है। ये 150 रुपीज़ में देते हैं और ये इस वक्त मक्खन लगा रहे हैं, ऐसे बटर, अमूल बटर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अब दोबारा सेकने जाएंगे, पहले एक बार प्री हीट कर लेते हैं, उसके बाद बटर लगा के फिर से सेकते हैं ताकि अगर बीच में कुछ पानी है तो निकल जाए इसमें। ये सिर्फ पनीर टिक्का ही नहीं, ये काफ़ी चीज़ें लगाते हैं अपने स्टॉल पे, जैसे कि मशरूम, गोभी और टिक्की पीस, ये सब चीज़ें भी लगाते हैं और वो मैंने भी ट्राई किया है, वो बहुत काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कमला नगर जाएँ और ये भैया को देखें स्पार्क्स मॉल के सामने, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये 150 रुपीज़ में देते हैं ये चार पीसेस पनीर टिक्का के, लेकिन ये चार पीसेस वर्थ है 150 के, क्योंकि काफ़ी अच्छा मसाला यूज़ करते हैं, नींबू के साथ देते हैं और ये साथ में रुमाली रोटी भी देते हैं। अगर रुमाली रोटी के साथ लेंगे तो आपको +20 और देने होंगे इनको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से मसाला डालते हैं, ये इनके पास एक खास चटनी है जो पुदीने की है, जो इसका जायका और अच्छा बढ़ा देती है। और ये लास्ट में हमारा नींबू डाल रहा है इस पर, वो बहुत बढ़िया लगता है इसमें, और एक और नींबू डाल रहे हैं। तो अगर आप जाएंगे कमला नगर और आपका मन करेगा पनीर टिक्का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनका पनीर टिक्का जरूर टेस्ट करें। ये बजट फ्रेंडली है और लाइव बनाते हैं और काफ़ी अच्छा है और आपको ज़रूर ही पसंद आएगा, ये बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।